स्ट्रेट वे चलते हैं हमारी पहली अपडेट के ऊपर और सबसे पहले बात करते हैं आयरिश वॉरियर यानी कि शीमस के बारे में। अब आपको बताया शीमस इस वीक प्रेजेंट नहीं थे स्मैकडाउन के शो में और उनका जो मैच था क्राउन ज्वेल के अंदर उसको भी WWE ने चेंज कर दिया है, तो उसके पीछे का जो रीजन है गाइस वो बाहर आ चुका है। और एक्चुअली में WWE ने जिस तरीके से दिखाया कि भाई शीमस इंजर्ड है, उनको ब्लड लाइन ने इंजर्ड वगैरह कर दिया, एक्चुअली में रीजन ये नहीं है। जो एक्चुअल रीजन है उनके प्रेजेंट ना होने के पीछे गाइस वो ये है कि शीमस जो है वो शादी कर रहे हैं और इसी वजह से जो है वो स्मैकडाउन के आज के शो में प्रेजेंट नहीं थे और ना ही वो क्राउन ज्वेल के अंदर प्रेजेंट होने वाले हैं। तो शादी वजह से जो है वो उन्होंने थोड़ा सा टाइम ऑफ लिया हुआ है, इसीलिए क्राउन ज्वेल को जो उनका मैच था उसको भी WWE ने चेंज कर दिया है और टैग टीम यूनिफिकेशन के लिए वो मैच WWE ने बना दिया है। अब आपने आज स्मैकडाउन के शो में देखा होगा एक QR कोड वगैरह दिखाया जा रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पहले जब ब्रे वायत की रिटर्न को टीज कर रहे थे तो एक QR कोड दिखाया था, यहां पर भी एक QR कोड दिखाया और जब इसको आप स्कैन करोगे तो कुछ इस तरीके की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है जहां पर ब्रे वायत लायर करके लिखा हुआ है। तो काइंड ऑफ ये आई थिंक जो अंकल हाउडी का जो कैरेक्टर है वो ब्रे वायत को बोल भी रहा था कि भाई ये जो तुम्हें दिखा रहा है या ये जो है वैसा एक्चुअली में नहीं है, मतलब जिस तरीके से ब्रेवायत दिखा रहे हैं भाई थोड़ा सा बेचारा टाइप बने हुए हैं, सिंपैथी वगैरह गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अंकल जो हाउडी कैरेक्टर है वो ये बता रहा है कि भाई ये सब जो कैरेक्टर में ये जो बता रहा है ब्रेवायत वगैरह ये सब जो है वो लाई है। सो लेट्स सी आगे किस तरीके से ये कैरेक्टर जो है वो आगे बिल्ड होने वाला है। मैं थोड़ा सा इस पूरी जो ब्रेवायत की जो भी स्टोरी लाइन वगैरह चल रही है इसको लेकर थोड़ा सा मुझे अजीब सा फील हो रहा है, अजीब सा इन द सेंस कि थोड़ा सा WWE इसको स्लो पेस में जो है वो आगे बढ़ा रही है, वो मुझे थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है। आई थिंक इसको थोड़ा सा और पेस मिलना चाहिए बिकॉज बहुत थोड़ा थोड़ा WWE इसको रिवील कर रही है और थोड़े थोड़े को रिवील के चक्कर में मतलब 3-4 हफ्ते जा चुके हैं और अभी तक हमें ब्रेवायत का पूरा कुछ समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है। सो आई थिंक थोड़ा सा स्लो पेस में ये चल रहा है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। आप में से काफी लोगों को शायद ऐसा अच्छा भी लग रहा होगा, मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा स्लो ये हो चुका है। आई थिंक इसको हल्का सा जो है वो पेस अप करना चाहिए। अब आज आपने स्मैकडाउन में एक और सेगमेंट देखा होगा जहां पर ब्लड लाइन वगैरह वाला जो भी सेगमेंट वगैरह चल रहा था काफी इंटरेस्टिंग कोई सेगमेंट था। वहां पर ऐसा होता है जब सैमी जेन जो है वो भाई जे यूसो के लिए बोलते हैं कि भाई ये जो है वो काफी उसी जो है वो रिएक्ट कर रहा है और ये जो उसी वाली चीज है अंदर आ रखी है, इसीलिए ये जो जे यूसो है एक्चुअली में जे यूसो नहीं है। तो इस तरीके का कमेंट वो मारते हैं और उसके बाद भाई सब हंसने लग जाते हैं। मतलब रोमन इस तो चलो फिर भी हंस लेते हैं, बट जे यूसो जो है वो एक्चुअली में उन्होंने कैरेक्टर अपना ब्रेक कर दिया क्योंकि उनको उस पॉइंट पे जो है वो हंसना नहीं था क्योंकि उन्हीं के लिए वो कमेंट आ रहा था, बट वो अपनी हंसी वहां पर रोक नहीं पाए। आपने देखा भी होगा उस सेगमेंट को कि जे यूसो बहुत कंट्रोल कर रहे थे कि वो हंसे ना, पर वो इतना फनी सेगमेंट था कि भाई जे यूसो भी अपनी हंसी वहां पर रोक नहीं सके और वो सेगमेंट के दौरान हंसते हुए वहां पर पाए गए। सीरियसली यार सैमी ज़ेन को ब्लड लाइन में देखने में भाई बहुत मजा आ रहा है। आई थिंक ये जो ब्लड लाइन का जो भी ये सीन सिनेरियो वगैरह जो भी चल रहा है आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग है, मेरे को काफी मजा आ रहा है इसको देखने में। अब गाइस नेक्स्ट वीक जो है वो WWE आपको बताया सैटरडे को जो है वो सऊदी में ट्रैवल करने वाली है, तो जो नेक्स्ट वीक का जो स्मैकडाउन है वो ऑलरेडी WWE ने आज ही के स्मैकडाउन के बाद जो है वो टेप कर लिया है, तो दैट मींस उसके स्पॉयलर्स वगैरह बाहर आ जाते हैं। तो आगे जो है वो नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन का पूरा स्पॉयलर में देने वाला हूं, जिसको ये वाला सेगमेंट नहीं देखना है आप इसको स्किप कर सकते हो। पूरा स्मैकडाउन में जो जो रिजल्ट वगैरह होने वाले हैं वो पूरा मैं इसमें बताने वाला हूं, तो स्किप करना है अगर आपको ये पार्ट, तो टाइम लैप्स के थ्रू आप जो है वो स्किप कर सकते हो। एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में लिव मॉर्गन जो है वो सोनिया डेविल को हराने वाली है, ये इंटरेस्टिंग मैच होगा देखने वाला। देन एले नाइट जो है वो रिकोशी को यहाँ पर हराने वाले हैं। उसोस का एक प्रोमो सेक्शन आने वाला है जहां पर वो अपने रिकॉर्ड वगैरह की बात करने वाले हैं, जो भी उनके अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप का रिकॉर्ड वगैरह रहा है। ऑफकोर्स वहां पर रोमन रेंस प्रेजेंट नहीं होंगे, उसके बाद जो है वो बुचर रिज हॉलैंड वगैरह वहां पर आएंगे, उसके बाद एक ब्रॉल देखने को मिलेगा इनके बीच में, एंड जो ब्लड लाइन वाली जो टीम है वो वहां पर स्टैंड टॉल करेगी इस पूरे ब्रॉल के बाद। देन सेना बेजलर का एक मैच होने वाला है जो कि नटालिया के साथ होने वाला है, और यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि रोंडा रोजी जो है वो रिंग के साइड में होगी सेना बेजलर के। इस वीक वाले स्मैकडाउन में भी आपने थोड़ा सा हिंट देख ही लिया होगा कि WWE जो है वो रोंडा रोजी और सेना बेजलर को एक साथ कर रही है, यानी कि पेयर इनको कर रही है एज अ टैग टीम, तो इंटरेस्टिंग पेयर है ये, काफी मजा आएगा इनको देखने में। तो इस मैच में यानी कि सेना बेजलर जो है वो नटालिया को ऑफकोर्स हरा देती है, और इस मैच के बाद नटालिया का जो है वो भाई बस्टेड ओपन यानी कि उनकी जो नोज है वहां से जो है वो ब्लड वगैरह निकलते हुए दिखता है। इसके अलावा ब्रॉन स्ट्रोमैन जो है वो भाई 5 लोकल रेसलर्स को फोड़ने वाले हैं भाई, मतलब उनको हराने भी वाले हैं और वो फोड़ तोड़ फोड़ वगैरह जो भी वो करते हैं वो आपको बताइए वो होने वाला है। और मैच के बाद जो है वो स्ट्रोमैन जो है वो पावर स्लैम लगाने वाले हैं MVP को, बार बार लगाएंगे 2-3 बार क्योंकि ओमोस वहां पर प्रेजेंट नहीं होंगे। इसके अलावा जो मेन इवेंट होने वाली है वो होने वाली है भाई गंथर वर्सेस रे मिस्टीरियो फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, और इसका भी स्पॉइलर अगर मैं दूं आपको तो भाई गंथर जो है वो इस मैच को जीतकर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले हैं। ये भी मैच वैसा भले ही स्पॉइलर आ चुका है बट आई थिंक ये भी मैच ऐसा है जो कि मैं पर्सनली देखना चाहूंगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं CM Punk के बारे में। अब गाइस CM Punk के लिए तो भाई सिनेरियो जो है ना वो बहुत खराब से खराब होता जा रहा है। अब हुआ ये है कि AEW बैकस्टेज में जो भी टॉप सुपरस्टार्स हैं ना उनमें से अधिकतर जो सुपरस्टार्स हैं वो CM Punk के साथ काम करने को रिफ्यूज कर चुके हैं। मतलब ऑफ कोर्स कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो उनके साथ काम अभी करना चाहते हैं, बट अधिकतर जो सुपरस्टार्स हैं वो रिफ्यूज कर चुके हैं CM Punk के साथ काम करने के लिए, और इन टॉप सुपरस्टार्स में एक नाम क्रिस जेरिको का भी आता है। इनफैक्ट क्रिस जेरिको ने गाइस CM Punk को भाई कैंसर बुला दिया, मतलब उनके कहने का मतलब है कि भाई वो कुछ ऐसा सुपरस्टार नहीं है जिसको AEW के अराउंड होना
करना चाहिए। काफी माहौल उन्होंने वही जो बैक स्टेज वगैरह वाली फाइट के अंदर खराब किया था, और ये रिजल्ट भी सामने आ चुका था कि भाई वो सीएम पंक की थे जिन्होंने वो जो फाइट थी वो स्टार्ट करी थी, इनिशिएट उन्हीं की तरफ से हुई थी। तो भाई सीएम पंक के लिए यहाँ पर रास्ता जो है वो AEW में तो मुझे लग नहीं रहा है कहीं से भी साफ। इनफैक्ट AEW उनका कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो बाय आउट करना चाहती है, एंड देन ये सारी चीजें आ रही है कि भाई AEW के टॉप सुपरस्टार्स उनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं, क्रिस जेरिको उनको कैंसर बुला रहे हैं। तो भाई बहुत कुछ जो है वो सीएम पंक के साथ खराब इस वक्त हो रहा है। आई डोंट नो किस स्टेट ऑफ माइंड में इस वक्त सीएम पंक होंगे ये सारी चीजों के बाद, बट आई गेस इन सारी चीजों के बाद ही इज द वन पर्सन टू बी ब्लेम्ड। आगे चलते हैं और बात करते हैं ब्रे वायत के बारे में। अब गाइस ब्रे वायत जो है वो एक्चुअली में इस वक्त स्मैकडाउन के अंदर नंबर वन बेबी फेस है WWE के हिसाब से। यानी कि आपको पता होता है एक लिस्ट होती है सुपरस्टार्स की कि भाई ये हमारा सबसे टॉप जो है वो बेबी फेस होगा, ये हमारा सबसे टॉप हील होगा, ये नंबर टू पे होगा, ये थ्री पे होगा, तो इस तरीके से जो है वो लिस्ट तैयार की जाती है। तो इस वक्त स्मैकडाउन के अंदर नंबर वन जो बेबी फेस है वो ब्रे वायत है, और ड्रू मैकइंटायर जो है वो नंबर टू पर आ चुके हैं। और इसके हिसाब से जो है वो रूमर्स ये भी है कि भाई ब्रे वायत अब रोमन रेंस के अगेंस्ट बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। हालांकि पर्सनली मैं चाहूंगा कि अभी आई थिंक WWE को इतनी जल्दी ड्रैग नहीं करनी चाहिए स्टोरी लाइन। अभी ब्रे वायत जो है वो फैंस के साथ ओवर है, बट उनको और ओवर हो जाना चाहिए बिकॉज आई थिंक अभी उनका कैरेक्टर बिल्डअप है, स्टेबल भी मे बी आ सकती है उनकी। सो आई थिंक अभी उनके कैरेक्टर को WWE को और बिल्डअप देना चाहिए, तगड़ा उसको जो है वो हाइप में लाना चाहिए, और उसके बाद ही ये मैच होना चाहिए। बिकॉज मैच अगर वो हाइप से पहले बन जाएगा ना तो मजा नहीं आएगा। तो आई थिंक अभी ब्रे वायत को और बिल्डअप WWE को करना चाहिए तगड़े तरीके से, क्योंकि इस मैच को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई थिंक इस वक्त ये रिसेंट मेमोरीज का बिगेस्ट मैच होने वाला है, सो उस तरीके से इसका बिल्डअप होना चाहिए ताकि भाई फैंस जो है वो जितना ज्यादा मैक्सिमम एक्साइटेड हो सके इस मैच के लिए उतने होने चाहिए। तो ये सब था गाइस आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।